बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमेंट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैंने पेपर शुरू किया था टीटी का और इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास कंप्लीट पेपर नहीं था। अब एक दोस्त ने पूरा पेपर कंप्लीट पेपर सेंड कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इस पेपर को बाई पार्ट्स एक एक पेज हल कर लेते हैं। आप दोस्तों ने अपने कमेंट्स देने हैं, अपने क्वेश्चन लिखने हैं, आपके जहनों में जो क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन देने, और आखिर में जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, उसी वीडियो में आपके तमाम सवालात के जवाब भी दिया करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, ये पेपर है, देखे पेपर टाइप बी है। और क्वेश्चन नंबर 1, सजदे के दौरान किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाल दी? तो उस कमबख्त का नाम था ऑप्शन बी जो है उकबा बिन अबी मुईत, उकबा बिन अबी मुईत। क्वेश्चन नंबर 2 लेके, 2 नंबर क्वेश्चन, एक ही ख्याल या मफहूम के लिए उर्दू में एक से ज्यादा अल्फाज का मौजूद होना क्या कहलाता है? देखिए, एक ही ख्याल या मफहूम के लिए उर्दू में एक से ज्यादा अल्फाज का मौजूद होना जू मानी कहलाता है, ऑप्शन सी है, जू मानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, मड बीड का मानी क्या है? मड बीड के मानी आमना सामना, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 नंबर क्वेश्चन को, हबशा की हिजरत, हिजरती उला यानी हबशा की तरफ 2 हिजरत हुए थे, पहले हिजरत में औरतों की तादाद 4 थी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि जनाब अबू तालिब का इंतकाल शाब अबी तालिब के वाक़े के कितने माह बाद हुआ था? 6 माह बाद, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखे, बैत रिजवान किस सन में हुई? 6 हिजरी में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि हुजाज बिन यूसुफ का ताल्लुक किस कबीले से था? अबू सकीब, सकीफ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, 8 नंबर क्वेश्चन को, तहलील से क्या मुराद है? तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि इस्लाम की पहली शहीदा का नाम बताए, हजरत समैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखे, 10 नंबर क्वेश्चन, यहूदी सरदार हाई इब्न अख्तब किस कबीले से ताल्लुक रखता था? बनू नज़ीर से थे, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखे, ये लिखा हुआ है ला इकराह बिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, इसका तर्जुमा है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, 12 नंबर क्वेश्चन को, किस खलीफा ने एक गैर मुस्लिम बूढ़े का भीख मांगते हुए उसको रोक दिया था और उसको फिर माफ भी कर दिया था और उसका वजीफा मुकर्रर किया था? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में 3 दिन क़याम फरमाया था? गार सूर में था, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखे, हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी जहल के बेटे थे, किस जंग में शहीद हुए थे? जंगे यरमूक, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन ऑलरेडी चेक हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, आने वाली हैं, उसको साथ साथ हम करेक्ट करते जाएंगे। ये तो दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।